हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज। इस चैनल में हम लोग DVR कैमरा, IP कैमरा, VDP, डोर लॉक, इंटरकॉम सबके बारे में बात करते हैं। एंड आज मैं आपके सामने जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बहुत अनकॉमन है, बट अब आने वाले टाइम पे इसका जो एग्जिस्टेंस है बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, क्योंकि ये है आपका हिकविजन का स्मार्ट DVR। जी हाँ, आपने इजीली इसके स्मार्ट कैमरे के बारे में सुना है, सिविल प्लस के स्मार्ट कैमराज के बारे में सुना है, बट फाइनली आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू द स्मार्टेस्ट DVR जो आपको हिकविजन की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें आपको AI कंट्रोल्ड, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है ये। इसमें आप फेस डिटेक्शन कर सकते हो एंड मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा, कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सेटिंग दिखाऊंगा। इसका GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल DVR से। एंड इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं अपने चैनल के क्विक इंट्रो के बाद। शुरू करते हैं एंड मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, अपना चैनल पे गिव अवे चल रहा है अभी। हिकविजन का ऑफिशियल T-shirt का गिव अवे चल रहा है, उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। बहुत सिंपल चीज आपको करना है एंड ये अभी तक वैलिड है। गिव अवे अपना खत्म होगा इस महीने के एंड में, यानी कि अप्रैल महीने के एंड में। तो अगर आप चाहते हो पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप 2 लकी विनर हो सकते हो, आप में से कोई 2 लोग। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें और आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन विन फ्री T-shirts। तो फटाफट इसको देखते हैं। ये देखिए, इसका बॉक्स बहुत अलग बॉक्स है। इसमें मैंने नॉर्मल जो लिखा रहता है टर्बो HD DVR और पैकेजिंग जो इसका बहुत अलग है। इसमें इसे काफ़ी कुछ अनकवर करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर जो है वो बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है आपका आई, जी हाँ, DS से शुरू नहीं हो रहा है ये मॉडल, ये IDS से शुरू हो रहा है। आई मतलब हुआ इंटेलिजेंट। तो इसका मॉडल नंबर है IDS7204HQHI-M1S। जी हाँ, M1S बहुत अनकॉमन है। आई एम श्योर आपने बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एंड इसका अगर मैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपको एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी मिलता है, H265 वीडियो कंप्रेशन मिलता है, सपोर्ट टर्बो HD वीडियो इनपुट, हाई डेफिनेशन रियल टाइम रिकॉर्डिंग, मतलब इसमें आप अप टू 8K का कैमरा जो है, मतलब 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, इजी इवेंट सर्च यूजिंग प्लेबैक। ये जो इवेंट सर्च वाला बात है ये बहुत ट्रिकी बात है, क्योंकि एक तो होता है नॉर्मल इवेंट सर्च और इसमें आपको मिलता है स्मार्ट इवेंट सर्च, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेगा आगे। फिर आपको इसमें अप टू 4K रेजोल्यूशन का आउटपुट देखने को मिल जाता है, लाइव व्यू फ्रॉम स्मार्ट डिवाइस और इंटरनेट, जो कि बेसिक हिकविजन के सारे DVR और NVR के साथ देखने को मिलता है। फिर आपको इसमें 2-way ऑडियो देखने को मिलता है। कभी आपने सुना है 2-way ऑडियो एक DVR में लिखा हुआ, तो इसमें आपको ऑडियो सुन भी सकते हो और इससे आप ऑडियो निकाल भी सकते हो। ये इसका कुछ फीचर्स हुआ। अब इसके जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो क्या है, डीप लर्निंग, मोबाइल सर्वेलेंस एंड 5-in-1 वीडियो सिग्नल इनपुट। जी हाँ, 5-in-1 वीडियो सिग्नल इनपुट, इसके बारे में आपको इंडेक्स बताऊंगा। अब फटाफट इसका MRP देखते हैं। इसका MRP दिया हुआ है 8500, मतलब कि ये 4 चैनल का स्मार्ट DVR है, सबसे लेटेस्ट DVR है जिसका MRP है 8500। बट आपको तो पता ही है, अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, मैं पैन इंडिया सप्लाई करता हूँ अपने गुड्स को एंड बहुत कम रेट में आपको ये मिल जाता है, ऑलमोस्ट 40-50% डिस्काउंट में आपको मैं ये दे देता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नीचे कमेंट से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप मैसेज कीजिए और मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। आप कितना स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है इसका।
तो अब देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है वो है आपका DVR, फिर आता है आपका एक मैनुअल बुक, साथ में साटा केबल और पावर केबल और कुछ स्क्रू अपने हड्डी से कनेक्ट करने के लिए। और ये देखिए, ये आ गया आपका एक स्पेशल पैम्पलेट जो पहले कोई DVR मैंने आज तक देखा नहीं था हिकविजन के, कि मैनेजिंग ए DVR इज मोर इजी। इसमें हिकनेट के बारे में बताया हुआ है ताकि यूज़र जो फ्रेश यूज़र हो उन लोगों को इजी हो अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। हालांकि मैं आपको इसके बारे में अभी बता ही दूंगा। और साथ में आपको देखने को मिल जाता है माउस और पावर एडाप्टर, पर इसे पावर एडाप्टर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है मेरे को। जी हाँ, इसका पावर एडाप्टर काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल DVR। इसका जो बिल्ड है, फिनिश जो आप बोल सकते हैं, इसका क्वालिटी सच में बेटर फील हो रहा है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और आपको अब DVR को मैं दिखाता हूँ। तो DVR को आप देखिए कितना अच्छे से इन्होंने सेफली इसमें रैप कर रखा है थर्मोकॉल के बीच में। और ये रहा अपना DVR, ये देखिए बिल्कुल NVR की तरह दिखने में है। फुल ब्लैक बॉडी जो अपना 7B सीरीज का DVR आता है हिकविजन के साथ, उसका तरह का ही लुक दिया हुआ है। बट इसका फील ना पता नहीं क्यों प्रीमियम फील हो रहा है। बाकी देखेंगे इसमें अंदर में क्या क्या है। इसका मैं पीछे अगर देखूं तो काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग इसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें 1, 2, 3, 4 HD इनपुट का वीडियो इन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक रेगुलर वीडियो आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक USB ड्राइव दिया हुआ है, एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है, एक वीडियो पोर्ट दिया हुआ है, इसमें अलार्म के लिए अलग से पोर्ट दिया हुआ है, ऑडियो आउट, मैंने कहा था ना आप ऑडियो ले सकते हो यहाँ से, तो ये आपका ऑडियो आउट हुआ, और 4 ऑडियो इन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक लैंप पोर्ट दिया हुआ है, एक 12 वोल्ट का नॉर्मल एडाप्टर का सॉकेट दिया हुआ है, और एक RS-485 जो नॉर्मल पहले जो आता था पावर सप्लाई उसका भी एक पोर्ट दिया हुआ है। मतलब पोर्ट्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इससे ज़्यादा पोर्ट्स आपको एक DVR में देखने को मिल ही नहीं सकता। 4 वीडियो इनपुट, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑडियो इनपुट, फिर वीडियो इनपुट में भी आपको HDMI प्लस VGA प्लस रेगुलर जो TV वाला आउटपुट होता है वो भी देखने को मिल रहा है, प्लस आपको एक USB ड्राइव भी मिल रहा है, लैन पोर्ट भी मिल रहा है, और ऑडियो आउट आपने शायद ही कोई DVR में देखा होगा आज से पहले, तो इसमें ऑडियो आउट का भी ऑप्शन मिल रहा है। एंड आई गेस जी हाँ, आगे भी आपको एक ऑडियो आउट मिल रहा है। और ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको और कोई DVR में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है इसका इनबिल्ट माइक। जी हाँ, इसमें आपको एक इनबिल्ट माइक भी देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने एक कैमरा के साथ में, एंड फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इसमें आप कैसे स्मार्ट फीचर्स ऑन करते हो, और अपने फेस को या अपने ऑफिस में, अपने स्टोर में, अपने होटल में, जहाँ भी आप कैमरा DVR लगा रहे हो वहाँ पे आप यूज़ कैसे करोगे इसको। तो फटाफट इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं तुरंत दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अपने DVR को बेसिक एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया है, माउस दे दिया है, पावर सप्लाई कनेक्ट किया है, बट इससे मेरे को एक हार्ड डिस्क भी घुसाना पड़ेगा ताकि मैं इसका जो स्मार्ट इवेंट वाला फीचर बताया था वो आपको बता सकूं। तो फटाफट मैं अपना एक हार्ड डिस्क को जो है इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको मैं ईजीली इसके बारे में समझा सकूँ। जब तक मैं हार्ड डिस्क लगाता हूँ तब तक आपको एक और चीज़ समझाता हूँ मैं, कि इस DVR में ह्यूमन फेस वाला जो फीचर है उसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। उसका यूज़ आप बेसिकली अपने जो स्टोर हुआ, जो ऑफिस हुआ, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक तरीके से ट्रैकिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो कि कौन सा आदमी किस रूम पे कब कब गया था। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे एरिया जो स्टोर रूम हुआ या जहाँ पे कैश रखते हो वो एरिया हुआ, तो आप नहीं चाहते कि कोई और आदमी वहाँ पे जाए। मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 लोग हैं जिसमें से आप चाहते हो कि सिर्फ 3 लोग को उसका एक्सेस मिले, बाकी 7 लोग को उसका एक्सेस नहीं मिले। तो आप इसके थ्रू एक ट्रैकिंग कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई उस रूम में जाएगा
उसका फेस को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन भेजेगा अपने ऐप में। साथ ही DVR में अपने मॉनिटर में एक अलार्म भी साउंड होगा जिससे आप तुरंत अवेयर हो सकते हो कि ये आदमी यहाँ पे गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसको आप कोई ऐसे रूम पे लगाए जहाँ पे ऑडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये DVR को आप प्रिफर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको चारों कैमरा में ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। वाह, ये वाला सच में बहुत हैवी बिल्ड है। मैंने इतने सारे DVR में काम किया, बट बिलीव मी, दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग DVR। अरे बाप रे, इसका PCB, इसलिए मैंने कहा था कि ये काफी हैवी लग रहा है मेरे को। इसका जो PCB आप देखिए, काफी हैवी PCB है। 4 चैनल का DVR में इतना हैवी PCB मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसका अलार्म का इनपुट है, 4 चैनल ऑडियो का इन है, इसके वजह से इसका जो PCB का साइज है वो काफी बड़ा हो गया है। नहीं, DVR आपका बहुत क्लीन सेटअप के साथ आता है, इस बात का खुशी हमेशा में मिलता है वेंडर्स को, क्योंकि कस्टमर्स को वैसे ही फायदा मिल जाता है। इसका पावर केबल और साटा केबल में फटाफट कनेक्ट कर देता हूं। ये गया इसका साटा केबल, ये गया इसका पावर केबल, और ये आया मेरा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैं तोशिबा का यूज करता हूँ, ये 1 TB का हार्ड डिस्क है, बहुत बड़े हार्ड डिस्क है ये, 3 साल की वारंटी के साथ आता है, एंड इसमें कंप्लेन रेट्स बहुत कम है, बहुत कम। कंप्लेन रेट्स तो हर डिवाइस में होती है, बट फॉर्चुनेटली इसमें बहुत कम है, प्लस सर्विस इज वेरी गुड। तोशिबा का सर्विस से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि होता है कितना बार साल में 2-3 बार किसी का हार्ड डिस्क खराब होता है, क्रैश होता है, तो आई इजिली गेट रिप्लेसमेंट मतलब विद इन 7 to 10 days, एंड हाल फिलहाल में तो आई एम गेटिंग अराउंड 3 days रिटर्न पॉलिसी, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी टाइट हो रखा था ये, बिकॉज आई गेस दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, एंड ये मेक इन इंडिया के अंदर है, क्योंकि ये DVR है आपका मेड इन इंडिया, इसलिए इसका पीसेस जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत टाइट है। अभी डेमो के लिए इसका स्क्रू को मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, बस बॉक्स को जो है एक बार के लिए मैं बंद कर देता हूँ ताकि दिखने में ठीक लगे। हार्ड डिस्क चला गया है इसके अंदर, और मैं इसमें आपको ये जो कैमरा है, ये कैमरा है आपका 2 MP बिल्ट इन माइक HD कैमरा, तो आपको इसके बारे में भी जानने का मन तो होगा कि कैसा है कैमरा, बट इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका ठीक नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर ही है, तो इसको देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ये कैमरा बहुत काम का कैमरा है, बहुत कम एक्सपेंस में, मतलब HD नॉर्मल और बिल्ट इन माइक वाला HD के साथ आपको ये कैमरा जब कनेक्ट होता है तो आपको ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट इसमें थोड़ा सा इश्यूज है, इसके बारे में मैं इन डेप्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इसका जो स्मार्ट फीचर है जिसमें ये ट्रैक कर सकता है, इसमें मैं एक नॉर्मल जो कैमरा है, एक हिकविजन का नॉर्मल 2 MP इको डोम कैमरा को यूज़ करूँगा, तो आपको दिखाऊंगा इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो ऑडियो वाला जो सेटअप है प्रॉपर इसको कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल कैमरा में ऑडियो कैसे लगा के इसमें जोड़ सकते हो, बिल्ट इन कैमरा के साथ ऑडियो के साथ कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे कॉन्फिगर करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसको फटाफट खोल के कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए एक
बीएनसी कनेक्टर केबल चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास है, जो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में। ये रहा वो बीएनसी कनेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ चैनल वन पे, ठीक है। तो इसको पावर के लिए एक पावर कनेक्टर दे देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब इसको मैं ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसा आ रहा है एंड इसको कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी मैंने इसको पावर दिया है एंड लेट्स सी इसका बूटिंग प्रोसेस कैसा है, इसका यूजर इंटरफेस कितना डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सेटअप। ये देखिए इसका स्टार्टिंग से ही जो लुक है काफ़ी मॉडर्न लुक के साथ आ रहा है ये, वाओ। आई मीन ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम ही इसमें देखा है इस तरीके का इंटरफेस। लैंग्वेज इंग्लिश, यस। अप्लाई, सेट द रेजोल्यूशन, यस। आई वॉन्ट इट इन फुल HD। इसमें पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है तो अपना एक स्टैंडर्ड पासवर्ड है जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बट वेरी क्लीन लुक। कलर कॉम्बिनेशन देखिए काफ़ी बेटर है। रिवर्स रिसर्व्ड ईमेल एड्रेस एक्सपोर्ट नहीं करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं करना है। क्रिएट चैनल डिफॉल्ट पासवर्ड, एक डिफॉल्ट पासवर्ड और मांग रहा है तो वो भी अपना जो स्टैंडर्ड एक हमने सेट कर रखा है वो दे सकते हैं। द डिवाइस इज एक्टिवेटेड, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड प्रॉपरली। ईमेल आईडी का हमारे पास कोई दरकार नहीं है, फिर भी हम लोग चाहे तो एक दे सकते हैं, बट मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एक पैटर्न भी बना सकते हैं अनलॉक करने के लिए, वो भी अपना एक स्टैंडर्ड है L, इसको मैं कर दिया हूँ। अब बारी आया है डेट एंड टाइम सेटअप, जो फटाफट मैं अपना कर देता हूँ, जो है इंडिया का 5:30। डेट एंड टाइम जो है अपना सेट कर देते हैं, आज है 11/18/4/2021 और टाइम फ़िलहाल हो रहा है 1:41। नेक्स्ट, नेटवर्क सेटअप के लिए बोल रहा है सेल्फ एडेप्टिव रखिए, इसको इजी रहेगा। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर लिया है, उसको हमें इनिशियलाइज करना होगा, मतलब कि फॉर्मेट करना होगा, तो इसको फॉर्मेटिंग में लगा दिए हैं, फटाफट हो जाता है फॉर्मेटिंग। बट इसको आप देख रहे हो इंटरफेस कितना डिफरेंट है। तो अब इसको नेक्स्ट करते हूँ। नेक्स्ट में आ गया कैमरा सेटअप। कैमरा में अपना आईपी कैमरा भी इसमें लगा सकते हो, बट आईपी कैमरा मैंने लगाया नहीं है तो इसमें शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सेस टाइप इनेबल करना है, अगर ऑनलाइन देखने के लिए इनेबल भी कर सकते हो, मैंने इनेबल कर दिया है। एक वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, जो भी अपना एक स्टैंडर्ड है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सब सेटअप बेसिक है, बस लुक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। फिर नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, बोल रहा है चेंज पासवर्ड, मैंने कहा नहीं अभी तो चेंज ही किया है मैंने। अब मैंने फिनिश किया अपने सेटअप को, अब देखिए मेरे सामने क्या खुल गया है। तो ये देखिए ये अपना कैमरा जो है ये आ चुका है, नॉर्मल 2 मेगापिक्सल का जो है ये कैमरा है। तो इसको आप एज ए नॉर्मल DVR देख रहे हो, अभी परसीव कर रहे हो, काफ़ी इसका क्वालिटी जैसे नॉर्मल होता है उसकी तरह दिख रहा है आपको। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्मार्ट फीचर्स। सबसे पहले इसमें आप राइट क्लिक करोगे तो आप ये देखिए, ऐसा इंटरफेस आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। एंड इसमें अगर आप जाओगे यहाँ पे, ये हो गया स्मार्ट एनालिटिक्स, यहाँ पे जाके आपको स्मार्ट सर्च का ऑप्शन मिलता है,
इसमें ह्यूमन बॉडी को आप सर्च कर सकते हो, व्हीकल को आप सर्च कर सकते हो, गाड़ी का नंबर आप इसमें सर्च कर सकते हो, कितना एडवांस DVR है इसे आप देखिए। इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। हम सेटिंग्स में गए हैं, नॉर्मल जो सेटअप होता है उस तरीके का सेटिंग्स है, बट इवेंट में जाओगे तो नॉर्मल इवेंट है, मोशन डिटेक्शन, वीडियो टैम्परिंग, वीडियो लॉस, अलार्म इनपुट, अलार्म आउटपुट, एक्सेप्शन, ये सब तो नॉर्मल DVR में रहता है। लेकिन इस वाले में आपको ये दिख रहा है आपको, ये है स्मार्ट इवेंट। जी हाँ, ये है स्मार्ट इवेंट, मतलब फेस डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग, इंट्रूशन और ऑडियो एक्सेप्शन, ये चार फीचर्स आपको नए यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप जो 1, 2, 3, 4 चैनल का DVR है, इसमें आप केवल एक में जो है मोशन वाला ऑन कर सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, इसने ह्यूमन फेस को बेसिकली डिटेक्ट कर लिया है, मतलब मेरा फेस को इसने डिटेक्ट कर लिया है। ये देखिए, मेरे को ये ट्रैक कर रहा है, मेरा फेस को जो है ये ट्रैक कर रहा है और रिकॉर्ड भी साथ में कर रहा है। ये बेसिकली जो ह्यूमन आइज जो होते हैं इसके सारे जो है ट्रैकिंग करता है, आइज, नोज और मुंह के एंगल के हिसाब से। तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से मेरे को ट्रैक कर रहा है। और इसमें मैं आपको और फीचर्स का बताता हूँ। सबसे पहले इसका देखिए इंटरफेस काफ़ी अलग है। फिर इसमें आपका नंबर वन में आ गया लाइव व्यू, फिर ये आ गया आपका प्लेबैक का सेक्शन, जिसमें आप 4 HD कैमरा और 5 IP कैमरा इसमें लगा सकते हो बेसिकली, तो इसमें आप प्लेबैक भी देख सकते हो। ये आ गया आपका फाइल मैनेजमेंट का एक अलग सेक्शन, जो पहले आपका किसी DVR में नहीं था, इसके बारे में भी और देखेंगे अच्छे से। फिर आता है आपका स्मार्ट एनालिसिस, इसमें आपका स्मार्ट सर्च, व्हीकल नंबर सर्च, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन सर्च, फेस सर्च, काउंटिंग, बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हो। कितने पीपल एंटर किए, कितने पीपल एग्जिट किए, आप एक IP कैमरा के सहारे से इसमें ऐड कर सकते हो, अपने 5 IP कैमरा जो है इसमें आप लगा के वो भी सर्च कर सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में एक वीडियो बनाओ कि आपको दिखाऊं कैसे हो रहा है, तो कमेंट से बताना, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। ये आगे आपको नॉर्मल स्टोरेज का जो ऑप्शन होता है, स्टोरेज कैसे होना है, कंटिन्यूस होना है, रिकॉर्डिंग होना है, ओवरराइट होना है, कैसे होना है, इसके लिए कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो मैं इसमें जाके अपना ऑथराइजेशन कोड दे सकता हूँ, DVR को ऑनलाइन कर सकता हूँ और क्लाउड में मैं अपना इसको देख सकता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। इसके बाद आपका ये हो गया लैंग्वेज का सारा ऑप्शंस जो बेसिकली सेटिंग्स का आता है, यूज़र, मल्टीपल यूज़र ऐड कर सकते हो, नेटवर्क ऑनलाइन करना है, IP चेंज करना है, वो सब कुछ इसमें कर सकते हो एडवांस्ड। अब ये आ गया इवेंट, इवेंट होता है आपका नॉर्मल जो इवेंट होता है वही दिखता है आपको नॉर्मल DVR में, बट क्योंकि ये नॉर्मल DVR नहीं है, ये स्मार्ट DVR, तो इससे मैंने देखिए A101 जो है ये है मेरा फर्स्ट चैनल का NVR, DVR का जो पोर्ट है वो है। इसका मैंने इनेबल फेस डिटेक्शन को जो है ऑन किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैंने ऑन कर अप्लाई किया है, फिर लिंकेज में जाके मैं इसको अलग अलग मोशन से लिंक कर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फेस डिटेक्शन हुआ तो नॉर्मल लिंकेज, नॉर्मल लिंकेज मतलब क्या हुआ कि फुल स्क्रीन मॉनिटरिंग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑडिबल वार्निंग, तीसरा नोटिफाई सर्वेलेंस, तीसरा सेंड ईमेल, अपलोड कैप्चर्ड पिक्चर्स टू क्लाउड, ये सारे चीज़ आप एक्शंस ले सकते हो। अगर वो फेस जो है दिखा अगर, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, पूरा जो स्क्रीन है उसमें नॉन स्टॉप मॉनिटरिंग चलते रहेगा आपका। सेकेंड हो गया आपका ऑडिबल वार्निंग, अगर वो फेस दिखा आपको तो ऑडिबल वार्निंग आएगा। थर्ड होगा नोटिफाई सर्वेलेंस, नोटिफाई सर्वेलेंस मतलब क्या होता है, आपका जो हिक कनेक्ट जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हो उसमें आपका तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा। तीसरा हो गया आपका सेंड ईमेल, मतलब जो आप ईमेल आईडी डाल देंगे उस पर ईमेल भी चला जाएगा कि सो एंड सो मोशन वॉज कैप्चर्ड, सो एंड सो फेस वॉज कैप्चर्ड। और फिर अपलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं। अभी मैं इसको सबको नॉन सेट करके रखता हूँ, नहीं तो मेरे नोटिफिकेशन बहुत सारे आ जाएंगे। फिर इसमें आप देखिए लाइन क्रॉसिंग का ऑप्शन है, इंट्रूशन का ऑप्शन है और ऑडियो एक्सेप्शन का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। बहुत सारा इसमें इनबिल्ट फीचर्स है। इन डेप्थ अगर आपको जानना है इसके बारे में, आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दूंगा, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट से बताना। अगर मेरे को ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर इन डेप्थ इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इसका फाइल मैनेजमेंट जो सेटअप है वो, आप देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे गया ह्यूमन फाइल्स में, गया टाइम देखा, डेट देखा, सर्च किया, तो ये देखिए इसने डिटेक्ट किया पूरे टाइम में
मेरा रिकॉर्डिंग, मेरा फेस को इसने जो है एक्सट्रैक्ट किया पूरा रिकॉर्डिंग में से। तो आप ये देखिए पूरा इसमें मेरा फेस इसमें कहाँ का आ रखा है, कहाँ का नहीं आ रखा है, इसमें डिटेक्ट किया है इसने। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ सिलेक्ट करके, और आप देखिए ये रिकॉर्डिंग देखिए, मैं यहाँ पीछे में हूँ। तो अभी ये फेस जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो आप देखिएगा कैसे इसको कैप्चर कर रहा है, क्योंकि मेरा फेस हल्का सा दिख रहा है, इसके लिए उतना ही इनफ है। दिस इज़ इनफ फॉर इट। अब देखिए कितना एडवांस्ड कैमरा है ये, ये देखिए मेरा बस छोटा सा इसमें जो है आँख दिख रहा है, बट कैमरा के लिए दिस इज़ इनफ। तो कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है। डेफिनेटली पास में जब आएगा तब तो ये रिकॉर्डिंग करके दिखाएगा कि ये फेस है मेरा, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, ये तो दिखाएगा ही है। बट अब देखिए दूर में भी कितने इजीली ये इंसान को कैप्चर कर रहा है। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स आ जाते हैं। टारगेट पिक्चर्स आप इसमें सेट कर सकते हो कि आपका टारगेट पिक्चर क्या होना चाहिए। मान लीजिए मेरा एक ये वाला फ़ोटो ले लिया मैंने, इसको मेरे को टारगेट पिक्चर रखना है, तो इसको मैं यहाँ पे सेट करके टारगेट पिक्चर की तरह इसको यूज़ भी कर सकता हूँ पिक्चर्स में जाके। तो ऐसे करके मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और अपने पेन ड्राइव में लगा के इसको मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को सर्च भी कर सकते हो, सोर्स पिक्चर डाल सकते हो, आपको सोर्स पिक्चर क्या डालना है इसमें वो भी इसमें आप डाल सकते हो। और आपका जो मान लीजिए कोई चोरी हुआ, कुछ किसी ने पुलिस ने कुछ डेटा दिया आपको, उसको भी इसमें अपलोड करके सर्च कर सकते हो कि आपके हार्ड डिस्क में, आपके DVR में कब ये आदमी आया था या कब ये औरत आई थी आपके कैमरा के व्यू पॉइंट में। ये हो गया आपका मेन जो इंटरफेस इस टाइप का रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। टारगेट में आप देख सकते हैं स्मार्ट डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, व्यू हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये आप सब यहाँ पे जो है डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने फेस डिटेक्शन को ऑन कर रखा है इसलिए ऑन हो रखा है, और मैं इसको ह्यूमन बॉडी, व्हीकल, किसी के लिए भी इसको एक्टिव यहाँ पे कर सकता हूँ। एक एक कैमरा को लेके मैं इसमें काम कर सकता हूँ। ये एक बेसिक शॉर्टकट हो गया है। फिर इसमें आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें आप IP कैमरा जो है 5 IP कैमरा इसमें आप ऐड कर सकते हो। 4 चैनल का DVR है बट अप टू 4 मेगापिक्सल का इसमें IP कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है। टोटल हो जाता है 9 चैनल का एक DVR और NVR का मिक्सअप, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसका यूजर इंटरफेस आप देखिए काफ़ी क्लीन लुक है, एकदम मिनिमलिस्टिक लुक है। ये इसका मॉडल नंबर जो है दिया हुआ है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये इसका सीरियल नंबर है। ये फर्मवेयर है, ये फर्मवेयर अभी के हिसाब से लेटेस्ट है, बट एज़ पर द टाइम मैं ट्राई करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को फर्मवेयर अपडेट करने का, उनको नोटिफाई करने का कि अपडेट कर लीजिए अपने फर्मवेयर को। और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसमें देख सकते हो। जब गो थ्रू करोगे आपको समझ में आएगा क्या क्या इसमें आप और अच्छे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपने सेटअप के लिए। देखिए कितना दूर है वो, फिर भी ये जो है मुझे डिटेक्ट जो है कर पा रहा। आप देखिए इसका कैमरा का आप क्वालिटी देखिए, ह्यूमन फेस को रिलेट कर पा। देखिए मेरा आधा मुंह यहाँ पे जो है छुपा हुआ है, फिर भी जो है मेरे आँख के सारे जो है ये देखिए ट्रैक करना शुरू कर दिया है। तो कोई भी चोर, कोई भी घुसपैठ अगर आपके यहाँ पे आता है तो हल्का सा भी उसका आँख दिखेगा तो वो उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। ये होता है एक स्मार्ट TVR का फ़ायदा। और अगर आप चाहते हो कि आपका भी ऐसा हो तो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट मी, ये DVR के बारे में आपको बताऊंगा। कोई भी नॉर्मल कैमरा को जो है ये स्मार्ट बना सकता है, तो और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल DVR को आपको एक स्मार्ट DVR की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। और कोई भी नॉर्मल कैमरा आपको वाईफाई कैमरा, वायरलेस कैमरा, स्मार्ट कैमरा, किसी भी कैमरा की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये एक नॉर्मल कैमरा है, हिकविजन का 2MP का इकोडोम कैमरा है ये, बट आप इसको एज अ स्मार्ट कैमरा यूज़ कर रहे हो। इस DVR में आपको क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कोई भी डाउट होने से कमेंट से प्लीज़ मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनबिल्ट माइक जो HD कैमरा में आता है डोम कैमरा को, इसको इस DVR के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसी DVR में ये फीचर अवेलेबल है कि आप कैमरा को
क्या इनबिल्ट माइक को कैसे यूज करोगे, साथ ही कोई एक्सटर्नल नॉर्मल जो कैमरा होता है जैसे ये 2MP का डोम कैमरा हुआ, इसमें आप एक्सटर्नल माइक लगा के इस DVR में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा इनबिल्ट वाले के साथ जाइएगा। बट एनीवेज उसके बारे में और देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस DVR का प्राइस कितना है? ये DVR का प्राइस ऑलमोस्ट आपको 6000 के आसपास पड़ता है, लेकिन दिस इज़ वर्थ फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। इसके ऊपर DVR आपको फ्यूचर में नहीं मिलता है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा इससे। अभी मेरे एक इंडियन आर्मी यहाँ पे एक यूनिट है, वहाँ पे भी ये DVR का इंस्टॉलमेंट है। उनको ऑडियो के लिए चाहिए था कि ऐसा कैमरा दिखाए जो काउंट करे कितना आदमी लोग आए, और रूम में जो बात हो रही है उसका ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए मैं एक ऐसा कैमरा दे रहा हूँ जहाँ पे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और ये DVR दे रहा हूँ ताकि उसमें वो एक IP कैमरा भी लगा रहा हूँ वहाँ पे, ताकि वो कितने लोग आए कितने लोग गए, नंबर्स ऑफ इन एंड आउट को वो यहाँ पे नोट कर सके अपने DVR में। मतलब बहुत बेसिक सेटअप में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी, फॉर ऑर्डरिंग विथ मी, सी यू, स्टे सेफ।